मुसलसिल 10 दिन तक मैं रोज़ाना हैदराबाद पुराने शहर के तकरीबन जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं जैसा बारकस, तालाब कट्टा, ईदी बाज़ार, संतोष नगर, चार मीनार, आपके अफजलगंज, ये पूरा एरियाज, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, पूरे एरियाज़ में हम घूमने के बाद में फिर हम न्यू सिटी के एरियाज भी देखे, बंजार हिल्स, जुबली हिल, जहाँ पर ATMs जो ओल्ड सिटी में मोर देन 400 ATMs आर देयर, ये यहाँ पर 400 से ज़्यादा ATMs है, लेकिन मेजर ज़्यादातर ATMs में काम करना तो दूर की बात है, वो ATM को दरवाज़ा नहीं है, वो ATM में अंदर मशीन भी काम नहीं कर रही। आप जाके नए शहर में देखिए या जहाँ पर मेजॉरिटी एरिया है वहाँ पर जाके देखे तो पता चलेगा रोज़ाना पैसे आ रहे हैं, लोग ड्रा कर रहे हैं, इवन बैंक्स के बाहर भी आप गए तो वहाँ पर शामियाना है, कुर्सी है, पीने का पानी दे रहे हैं, लेकिन ओल्ड सिटी के बैंक्स में जहाँ पर बारकस में आप देखिए जाके मुस्लिम खवातीन जो है वो पर्दे का ख्याल करती है, वो खवातीन बाहर नहीं निकलती, बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही अपने काम के लिए बाहर निकलती है। आज पैसे निकालने के लिए मुस्लिम खवातीन दर और कतार लाइनों में करके 8-8 दिन करने के बावजूद हमको पैसे नहीं। तो जब मैं ये मालूम किया तो मुझे ये स्टडी हुई कि क्योंकि यहाँ पर ये एरिया जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है इसकी वजह से बैंक जो है हमारे को यहाँ पर ATMs में टाइम पे पैसे नहीं दे रहे थे, एक चीज़। दूसरी चीज़, पहले से शिकायत कही आती थी ओल्ड सिटी में अगर आप है मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में अगर है तो हमारे को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, रेड जोन बोल के बोलते, हमारे को यहाँ पर लोन नहीं मिलता, रेड जोन बोल के मार करके रहते। आप पुराने शहर में आप देखें तो पता चलेगा कि एक बैंक जो है सैदाबाद पे और एक बैंक है आपके बारकस में जहाँ पर 1400 अकाउंट होल्डर में से 1200 से ज्यादा मुस्लिम अकाउंट होल्डर से, लेकिन हमारे को वहाँ पर पैसा ड्रा करने के लिए पैसा नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ नाइंसाफी होने पर 10 दिन हम खामोश बैठे। 11वें दिन हम जाकर माइनॉरिटी कमीशन, 19 नवंबर के दिन माइनॉरिटी कमीशन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के आबेद रसूल खान साहब से मुलाकात करके उनको पिटीशन किए, वो पिटीशन हमारे पिटीशन को सीरियस लेते हुए, और हम जो पिटीशन किए ऐसी खाली लब्बाजी नहीं किए, हम पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके गए, हम फोटोग्राफ्स लेके गए, हम वीडियोग्राफ्स लेके जाके हम पिटीशन किए। तो उसके बाद में RBI को नोटिस दिए, तो RBI के ऑफिसर्स या बैंकर्स आके ये बोले नहीं हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, आप आज भी जाके देखिए आप डबिलपुरे के आगे जो ATM है वहाँ पर आज पिछले 5 दिन से पैसे नहीं आए, उसको दरवाज़ा नहीं है, उसको डोर नहीं है। आप बारकस जाके देखिए, बारकस में खवातीन एहतजाज कर रहे रोड पे, सड़कों पे लेट गए। आप टोली चौकी जाके देखिए जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पर पूरे लोग सड़कों पे आ गए वहाँ पर। तो ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही, तो हम बोल रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मजहब की बुनियाद पे हम ये बोल रहे हैं। आप जो बदमाशी कर रहे हैं, जो बैंकर्स वाले जो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, वो लोग मजहब की बुनियाद पे कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पे, लेकिन हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है हम उसको उजागर, हम उसको आपके मंजरे पर लाना चाहते हैं।